अच्छा इस तरह दी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दे सरकार दे एक मिनिस्टर ने कीती है, उस तो बाद बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपनी गल रखी। बेसिकली जेड़ा इन्होंने एक दिन का सैशन इन्होंने मेरे को ऑन सी पहले एक दिन का सैशन इन्होंने बुलाया सी, तो मैं उन्होंने स्पोक्समैन मंत्री साहब न जिन्होंने अपने को किताबां कई रखियां सी, मैं उन्होंने दसना चाहना रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन दी पंजाब विधानसभा। सारे नो पहले मैं उस महान व्यक्ति नो जिन्होंने डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब जिन्होंने साडा कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया, तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तो हिंदुस्तान वक् वक् असैम्बलीज चलदियां उन्होंने कैदे कानून की एक किताब जो इस किताब च लिखिया कला उस दे मुताबक ही असैम्बली चल सकती। सो मैं सारे नो पहले उस स्पोक्समैन जिहदा नाम नहीं मैं लेना चाहता वो कहना चाहना कि देर इज नो प्रोविजन फॉर कॉलिंग अ स्पेशल सैशन ऑफ द पंजाब विधानसभा फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंजॉइंग एब्सोल्यूट पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी हाउएवर रूल 58(1) इन चैप्टर 7 प्रोवाइड्स फॉर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस ओनली देयरफॉर द ऑनरेबल गवर्नर हैज राइटली कैंसल द सेशन। एक भी चीज ये प्रोड्यूस कर दें, असी भी इस गल नू चैलेंज किया सी कि जिथे वैलिडिटी है नहीं, कैदा है नहीं, कानून है नहीं, रूल है नहीं, तुसी अपने आप अंबेडकर साहब का नाम लेंदे हो, तस्वीर भी तुसी लगाई है, तुसी उन्हां दे बनाए कॉन्स्टिट्यूशन मुताबक कैदे कानूनों की उलंघना करना चाहो, तो वी बीइंग द मेन ऑपोजिशन पार्टी असी उत्थे फिर तुहानूं अपोज करांगे। असी कोई ब्लैंक चैक नहीं दे सकते। वेखो पहले हथों ही तुहानूं याद होएगा पहले सैशन दे विच असी ये गल क्लीयर कीती सी कि कांग्रेस इज द लार्जेस्ट ऑपोजिशन कैंप ग्रुप, असी कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करा, जिथे भी गवर्नमेंट की लड़ाई सेंटर की सरकार नाल होएगी तो सेंटर पंजाब के नाल वितकरा करेगा, असी स्टेट की गवर्नमेंट की पिट पिछे खड़े हो, बट असी कभी भी इन्हों कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं सी दिती कि तुसी कैदा कानून छिके टंग दो, तुहाडे मिनिस्टर तुहाडे MLA वड्डे कपलियां दे विच वड्डे एलीगेशन थले आन ते तुसी चुप, तुसी सोचो कि हुणे चुप रहणगे, असी बकायदा तौर कंस्ट्रक्टिव उत्थे ऑपोजिशन करांगे। मैं सारे नूं पहले तुहानूं दसना चाहना कि इस जदों दी यह सरकार आई, इस सरकार ने पहला मेरा ख्याल जिहड़ा इन्हां दा सैशन है सी वह इन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल 30 या 31 जून नूं बुलाया गया, उत्थे पहला एक रेजोल्यूशन लेके आए जिहदे विच यह कहा गया सी कि असी शहीद आजम भगत सिंह जी डॉक्टर अंबेडकर साहब के स्टैचूज जिहड़े असी विधानसभा च लगाना चाहते, असी बकायदा तौर उठ के मेरे वालों इन्हां नूं एक सजेशन दिता गया सी कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जिन्हां दा 40 साल का गोल्डन पीरियड है सिख हिस्टरी दे विच, तुसी इन्हां दे जिथे दो बुत लवाउण की गल की उत्थे महाराजा रणजीत सिंह जी की भी यादगार उत्थे रहनी चाहीदी है, उन्हूं बकायदा तौर CM भगवंत मान होना ने तस्लीम किया एक्सैप्ट किया, चंगे माहौल में सारा काम चलिया। वो गल वक्री है कि CM साहब के दफ्तर ने होमवर्क नहीं सी किया, उन्होंने इस गल का इलम नहीं सी कि UT के जेडे कैदे ते कानून ने वो लॉ नहीं करते किसी स्टैचू नू चंडीगढ़, क्योंकि जेड़ा फ्रेंच आर्किटेक्ट ने शहर में प्लान किया सी ला कार्बूजियर जिहदा नाम सी, उन्हें पहले हथों ही यह पाबंदी लगाई, तो उस तो बाद सारे जिहड़े एमिनेंट आर्किटेक्ट चंडीगढ़ के उन्होंने बयान अगले दिन छपने शुरू होए कि यूनैसको दियां चंद बिल्डिंग्स ने
जिहड़ियां हैरीटेज बिल्डिंग्स ने जिन्हां विच पंजाब दा सिविल सैक्रेटेरिएट जिहड़ा असी शेयर करदे हां हरियाणा नाल, पंजाब दी विधानसभा ते साडा हाई कोर्ट जिहड़ा है, इह सारे यूनैसको दी हैरीटेज बिल्डिंग शामिल ने। इन्हां दे विच ते कोई छोटी मोटी असी फर्श भी नहीं पुट के नवा फर्श ला सकते जिन्ना चिर चंडीगढ़ की यूनियन टेरेटरी के कोलों बकायदा तौर इजाजत ना ले। सो वो पहला असी इन्हां दी सपोर्ट भी की, बट वो चीज़ उत्थे दी उत्थे ही रहेगी। उस तो बाद तुहानूं याद होएगा एक रेजोल्यूशन आया सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगेंस्ट बीजेपी मूव ऑन रिप्रजेंटेशन ऑफ पंजाब इन BBMB, पाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की विच जिहड़ी मदाखलत करन की कोशिश की, टिंकर करन की कोशिश की, चंडीगढ़ के विच ट्रांसफर ऑफ चंडीगढ़ का या साडे इंपलॉयज़ के विच जिहड़ा इन्हां ने मदाखलत की, पंजाब का जिहड़ा कोटा से उन्हूं घटाने की कोशिश की चंडीगढ़, या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के विच मदाखलत करन की कोशिश की, वो सारिया चीज़ों पर बकायदा तौर गवर्नमेंट जिहड़ा रेजोल्यूशन लेके आई, असी टका के इन्हां दी मदद की, कंडेमनेशन की भाजपा की, पहले भी करते हैं अज भी करते हैं आंदे टाइम च भी हमेशा करते हैं। फिर एक रेजोल्यूशन आया इन्हां दा अग्निपथ उत्ते, तुहानूं याद होएगा अग्निपथ आया उत्थे भी डट के असी नाल खड़े, असी ये गल दसी कि वो पार्टी जिहड़ी अपने आर्मी परसोनल नूं साडे जवानां नूं साडे अफसरां नूं पेंशन देने की पोजीशन च नहीं, जिहड़ी मेडिकल फैसिलिटीज देने दे पोजीशन च नहीं, जिहड़ियां कैंटीन फैसिलिटीज देने दे पोजीशन च नहीं, उहनूं सरकार कलवाण दा हक ही है। डट के असीं खड़े होए, कल्ली भाजपा ही उत्थे सी जिहड़ी सिंगल आउट होई। उस तो बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चंडीगढ़ वाला स्टेटस जिहड़ा बदलना चाहते सी, वो इन्हां दा इन्हां ने अपना रेजोल्यूशन लैके आंदा डट के ये सरकार दा उत्थे भी साथ दिता है। 30 जून नूं यह काम होया। सो कहण दा मतलब सी कि जिथे भी सेंटर ने पंजाब दे इंटरस्ट के खिलाफ मदाखलत की है, वो भावें विधानसभा की बिल्डिंग हरियाणा नूं वक्री जगह देन दी होए, भावें ऑनरेबल हाई कोर्ट नूं दो हिस्सों च वंड के, असीं यह गल साफ की सी कि कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लीयर। याद हो सेंटर की सरकार ने एक बयान दिता कि पंजाब गवर्नमेंट सीरियस नहीं, उस टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, उहदे विच इन्हां दा स्टैंड बिल्कुल अनक्लीयर सी। इन्हां ने कहा कि जो सेंटर वाले हरियाणे ते सानूं इकट्ठे कर लो, जो फैसला ये कहणगे असीं मन्नण नूं तैयार हाँ। मैं उदों भी कहा भगवंत मान जी साडी लाइफ लाइन है, इस वेले साडे कोल इक तुपका पानी दा है, असीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नूं उदों भी कहा ते अज भी कहिंदा किसी होर नहर दा पानी दे दो, सतलुज यमुना लिंक दा साडे कोल ते पानी है।